Ah, isso. गुड आफ्टरनून सभी को। राम राम। सोमवीर भाई, नीशू, सोनिया, एलोन्स, योगेश, कैसे हो? रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी सर, आ जाओ एक बार सारे के सारे। जो नए बच्चे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत खूब आएंगी इसमें। राधे राधे गरिमा पंचाल, राधे राधे। देखो मुझे तो चिढ़ नहीं है, बट जय हिंद जय भारत में सारा भारत आ जाता है, सारे धर्म आ जाते हैं, तो जय हिंद जय भारत बोल दिया करो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना? बहुत मस्त। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता, इससे ऊपर सुकून ही नहीं है। चाहे राधे हो, चाहे भगवान, जय श्री राम हो, क्योंकि भगवान राम भी तो यही हुए ना। आ जाओ, तो एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताएंगे। होती क्या है ये? इस वैकेंसी का नाम एनटीपीसी क्यों रखा गया है? ए भाई पंकज, क्यों रखा गया इसका नाम? कहाँ से शुरू होती है? वन से ना। ये रहा भाई, इसमें जो वैकेंसियां आती हैं, ये नोटिफिकेशन जो भी आप देख रहे हो, मैं इसका लगभग यूज ही नहीं करूंगा। ये होती क्या है कि 12वीं बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी आती है। ठीक है? इसमें होता क्या है कि एक पेपर कॉमन होता है, सीबीटी कॉमन बेस, सीबीटी वन, फिर होता है सीबीटी टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टू। अब इसमें लेवल बनाए गए हैं अलग अलग, कि लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, इस तरीके से बनाया गया है। बहुत प्यारी वैकेंसी है, और सबसे खास वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की, जो मैं आपको बताता था हमेशा से ही। जुलाई में फॉर्म निकलेंगे, ठीक है, और 3 से 4 महीने में पेपर लेके साथ साथ इसका रिजल्ट भी आ जाता है। और अब तो रेलवे ने बोल रखा है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। जय हिंद भाई राहुल, नमस्ते, आ जाओ। तो ये जो CBT 1 है, वो सारे बच्चे जो RPF की तैयारी कर रहे हैं, वो जो सारे बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रखी है, या CGL की तैयारी कर रखी है, CPO की तैयारी कर रखी है, सब कुछ वही है, कोई अलग से सिलेबस नहीं इसका। ठीक है? आपको बैच बेचा जाएगा, लेना नहीं है, चाहे स्टडी मंत्रा का ही क्यों ना हो। अगर आपने ये हमारे इसी किसी भी बैच में एडमिशन ले रखा है, तो पहले से ही बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट होता है। अब RRB NTPC का बैच ले लो, अब फलाने का ले लो, अब फलाने का ले लो, किसी का कुछ नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सिलेबस वही है जो आप पढ़ते हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस पे हो, चाहे कोई भी हो। तो जो पेपर होगा वो कॉमन होगा, एक ऐसे जिसको हम बोलेंगे CBT 1, पहला पेपर होगा जो सबके लिए बराबर होगा, जिसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40, 30 और 30। अब क्या आपने GS पढ़नी रखी 40 नंबर की? इसमें 20 क्वेश्चन साइंस के हैं भाई। क्या आपने मैथमेटिक्स पढ़नी रखा, अर्थमेटिक? क्या आपने रीजनिंग कर रही रखी? 100 क्वेश्चन यहां आएंगे। तो बताओ, क्या बैच खरीदने की जरूरत है सर? आप बताओ ईमानदारी से। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। और बिना बैच के तैयारी करने की, बैच होता है बेटा जो ठीक, जिसका बेस ना हो या कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, सिर्फ एक बैच लेने का होता है पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में। किसी से भी पढ़ लो जिसकी, जिसका खुद का बेस बहुत अच्छा हो, जिसने खुद अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्रैक किया हो, जो बहुत अच्छा पढ़ाता हो, वन लाइनर जी के ना पढ़ाता हो, इन तीनों में से एक चीज होनी चाहिए, दैट्स इट। अब ये 40 नंबर की जो GS आती है, ये किस, आप दिल्ली पुलिस में भी पढ़ते हो, हरियाणा की तैयारी करते हो, यूपी पुलिस की, राजस्थान, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो GS पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, वेटेज बराबर रहेगा 40 नंबर का। तो क्या अलग बैच खरीदने की जरूरत है? नहीं है। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स सबने कर रखा है, सब कर रहे हैं किसी न किसी बैच में, तो अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, RR रेलवे में किस तरीके का मैथ पूछा जाता है, उसमें कोई रकम तो वो तो चेंज नहीं होगी, कि वहां पर HCF को DMC DSF बोलेगा, HCF ही रहेगा, LCM ही रहेगा, नंबर सिस्टम वो ही रहेगा,
ना, हर जगह आती है। और सीबीटी टू देखोगे तो सेम वही पेपर है जो आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो। कौन सा? 50, 35 और 35, जीके, रीजनिंग और मैथ, ये रहेगा। अब इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है सर? इसमें आपने देखा होगा रेलवे डिपार्टमेंट में जब आप टिकट लेते हो तो वहां पर क्लरिकल क्लर्क बैठे होते हैं, सर मुझे टिकट दे दो, मुझे पटना जाना है, सर मुझे टिकट दे दो, मुझे दिल्ली जाना है। तो वो जो टिकट वाले क्लरिकल वाला, एक तो वो डिपार्टमेंट होता है, टीटी वाला डिपार्टमेंट भी होता है, गुड गार्ड्स का भी डिपार्टमेंट होता है, और सबसे अच्छी पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर की, जो एक प्रकार से SHO लगा लो, जो स्टेशन का SHO होगा, SHO लगा लो। वैसे तो इसको स्टेशन मास्टर बोला जाता है, स्टेशन मास्टर का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो ये स्टेशन मास्टर बहुत गजब की पोस्ट है, आप डायरेक्ट SHO लगोगे। समझ में आया? क्या लगोगे? डायरेक्ट SHO लगोगे, और इसी पेपर में लगोगे, 50-35-35 में। तो क्या हम इतनी बड़ी पोस्ट के लिए मेहनत नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपको एक SHO की पोस्ट मिल रही है? बताओ, है ग्रेजुएशन बेस पर, किस पर है? ग्रेजुएशन बेस पर है। पे स्केल 35,400 जो पुराना बताया गया है, पुराना ओल्ड, अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो CBT 1 है वो कॉमन रहेगा, जिसका सिलेबस मैंने अभी भी बताया था, टेलीग्राम पे मैं वैसे डाल भी दूंगा, बस देसी भाषा में जब हम समझ ही रहे हैं तो क्या जरूरत करने की, ठीक है? ये CBT 1 रहेगा, CBT 1 आपको बता दिया है कि क्या रहेगा, 40, 30 और 30, जीके, मैथ और रीजनिंग। अब जितनी वैकेंसी आएंगी उसका 20 गुना बच्चे पेपर में पास किए जाएंगे, किसी भी, जैसे स्टेशन मास्टर की कितनी वैकेंसी है तो स्टेशन मास्टर के 20 गुना पद के लिए बुला लिया जाएगा पेपर में। CBT 2 के लिए पेपर अलग अलग होगा इनका। तो CBT 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो दूसरा होता है मेंस, उसमें 50 की जीके और 35 नंबर का मैथमेटिक्स और 35 नंबर का रीजनिंग रहेगा। और यहां पर इसके बाद आइए आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरे नंबर पर। किसी को डाउट? जुलाई में फॉर्म आएंगे। अब एक बात बताओ, क्या किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को इनमें से कौन सी चीज है जो आप किसी भी टेस्ट में, जैसे आरपीएफ का आपने स्टडी मंत्रा पे बैच ले रखा है, तो वहां पर 50 नंबर की जीके, मैथ और रीजनिंग पे जोर नहीं दे रहे, लेकिन ध्यान रखना यहां दोनों में जो वेटेज है वो साइंस की ज्यादा रहेगी। डायरेक्ट पहले ही बता रहा हूं, दोनों में जीएस में करंट अफेयर की वेटेज ज्यादा रहेगी, कहीं हिस्ट्री पॉलिटी पे ज्यादा फोकस कर लो। अगर आप पुराना पेपर उठाओगे तो साइंस और करंट अफेयर ज्यादा है। पेपर ओल्ड पेपर डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और देख भी लेना कि सर ये क्या था। गर्ल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है? सर कोई क्राइटेरिया नहीं है, वही है जो बॉयज के लिए है, पेपर देना है, दोनों पेपर देने हैं। और गर्ल्स के लिए अलग से क्या होगा? टाइपिंग है बाद में, वो सभी पोस्टों के लिए है लगभग। स्टेशन मास्टर के लिए एक साइको का टेस्ट होता है, वो पिक्चर्स दिए जाते हैं, उस पिक्चर्स में फिर आपको फाइंड आउट करना होता है, आपका विजनरी देखा जाता है, आपका नरेटिव देखा जाता है। जैसे आपकी टीटी है, आप टीटी लगोगे या गुड गार्ड्स लगोगे, तो इसमें आपकी टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है, ठीक है? एज क्राइटेरिया पूछ रहे हैं भाई, एज बताना। अब 30 साल के तुम सारे हो, जैसे इसकी होती 30 साल तक, लेकिन प्लस 3 और जोड़ दो, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 33 साल हो गए, कोविड वाले की वजह से मिलेंगे क्योंकि अब तक वैकेंसी नहीं आई थी। तो कोई भी रमेश 18 से 33 का तो होगा ही। अब 33 साल में 90 मार्किंग है, 1/3 बेटा, 90 मार्किंग है, सारी बताऊंगा राहुल, वीडियो लंबी चलेगी, आधे घंटे की वीडियो चलेगी, एक एक डाउट दूर करते जाएंगे आपको। 3 साल की OBC की छूट होगी, यही होगी ना, और 5 साल की SC की छूट होगी। अब आप अपनी एज काउंट कर लो कि आप इस क्राइटेरिया में आते हो नहीं आते, ठीक है? और जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें कोई अलग से तो होगा नहीं कि कुछ छेड़छाड़ करेंगे, लगभग ये सारी चीजें होंगी। जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 5 जुलाई के आसपास, ठीक है? तो
तो आपको बस क्या करना है, एक जीके और मैथ और रीजनिंग पे पकड़ बनानी है, और जीके में साइंस पे, साइंस चूसनी है, जैसे कुल्फी चूसते हो ना, साइंस में चूसनी है। बैच नंबर 24 ले रखा है, कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। हालांकि आरआरबी एनटीपीसी का बैच आएगा, वो अलग आएगा, लेकिन वो उनको लेना है जो सिर्फ आरआरबी की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और बताओ सर, फॉर्म स्टार्टिंग डेट बता तो दिया, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा 10 जुलाई के आसपास, और पेपर प्रॉपर होगा। और सर आ जाओ, अब बताऊंगा इसके नोटिफिकेशन की बातें, ठीक है, किसने कैसे कैसे इसे इन्होंने लिखा है। ये आती है आपकी पोस्ट, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है, देखना एक बार पोस्ट। ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, गुड गार्ड्स होता है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट टिकट कलेक्टर होते हैं, आप टिकट चेक करोगे। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट होता है, सीनियर टाइम कीपर होता है, कमर्शियल अप्रेंटिस होता है, स्टेशन मास्टर, लेवल 6 की पोस्ट। ये बेसिक सैलरी रही 25,000 पर। सबसे अच्छी है स्टेशन मास्टर की 35। स्टेशन मास्टर समझ लो एक डायरेक्ट इंस्पेक्टर की भर्ती है रेलवे में, ठीक है ना। वर्दी तो वो नहीं मिलती खाकी, लेकिन एक प्रकार से SHO होता है पूरे स्टेशन का। मान के चलो जैसे आपको कोई दिल्ली का कोई भी रेलवे स्टेशन मिल गया, जैसे जहांगीरपुरी मिल गया, तो जहांगीरपुरी में आप पूरे मालिक हो उस रेलवे स्टेशन के। आप गुटखा नहीं खाने दोगे, आप बीड़ी नहीं पीने दोगे, आपकी मर्जी, स्टेशन मास्टर आप हो। हाँ, स्टेशन मास्टर गर्ल सप्लाई क्यों नहीं कर सकती? काजल, काजल लड़कियां अब सब कुछ अप्लाई कर सकती हैं आजकल। कौन सी ऐसी, जब NDA में उन्होंने लड़कियों को दे दिया जहां नहीं था, तब ये तो पहले से ही है गर्ल्स के लिए, ठीक है। हाँ तो टोटल वैकेंसी देखेंगे कितनी रहेगी इसमें, आ जाओ। ये पे स्केल दोबारा से उसी का आ गया, कोई अलग से इसमें बात नहीं। ये रही आपकी डिग्रियां जो आपको मंगवानी नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है। लगभग सारियों में ग्रेजुएशन है, +2 बेस की कोई वैकेंसी इसमें दिख नहीं रही है, ठीक है, लेकिन आगे है +2 बेस की, देखते हैं कौन सी है। ये रही +2 बेस की, ये रही आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, अकाउंटेंट की है, जूनियर क्लर्क की है, इनमें टाइपिंग होती है जो 12वीं वाले हैं भाई, ठीक है। जो 12वीं वाले हैं, जो 12वीं बेस पे हो रहे हैं, सिर्फ उन पे टाइपिंग होती है। आपकी 12वीं तो लगभग सारे पास हैं, 12वीं तो सारे के सारे पास हैं। वही देखो आ गया 100 नंबर, कंप्यूटर बेस्ड 1 पेपर, CBT 1 और CBT 2, 90 मिनट्स, दोनों में 90 मिनट बस। अब बताओ किस बच्चे को इसमें दिक्कत थी कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये CBT 1 कि सर 40 नंबर की जीके है, 35 मैथ, ओ सॉरी 30 30 मैथ, 100 नंबर का, 90 मिनट, 120 क्वेश्चंस, ये भी कितने का है, 120 क्वेश्चंस 90 मिनट, 100 क्वेश्चंस 90 मिनट, बस बताओ। दो ही एग्जाम है हर एक भर्ती में, वो तो फिर आप अप्लाई करोगे, आपसे आपकी चॉइस मांगी जाएगी, आपकी जो फिर अगर आपका टॉप में हो तो आपको स्टेशन मास्टर मिल जाएगा। CGL की तरह होता है अमन ठाकुर, CGL के एग्जाम की तरह होता है कि टॉप की प्रेफरेंस, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आपने पहली ही प्रिफरेंस पोस्ट स्टेशन मास्टर की वे रखी है, तो स्टेशन मास्टर मिल जाएगी। अब पिछली कट ऑफ क्या रही थी, अब इस पे आ जाओ। पर अच्छा पिछली कट ऑफ भी, हाँ पिछली कट ऑफ आ जाओ CBT 1 की। लेसन को शेयर करते रहो, ऐसे मत किया करो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखो कितनी थी, पिछली कट ऑफ का वैसे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, पेपर टफ आ गया तो पिछली से 10 नीचे भी आ सकती है, पेपर अच्छा आ गया तो पिछली से 10 गुना फालतू भी जा सकती है। टीटी इसी में आता है, इसी में आता है ना, टीटी इसी में आता है, वो टाई पहन के जो टिकट चेक करता है 12वीं बेस पे, इसी वैकेंसी में आएगा NTPC में। ये जो NTPC की वैकेंसी है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 वाला नहीं है, ठीक है, ये नॉन पॉपुलर कैटेगरी है, टेक्निकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यही होता होगा। तो इसमें बेटा सारी वैकेंसी आती है आपकी, TT की, कलर्क की, गुड गार्ड्स की, स्टेशन मास्टर की। आप रेलवे में कर्मचारी बनो, मतलब ये टेक्निकल पोस्ट नहीं है, वो जितनी भी नॉन टेक्निकल, टेक्निकल होता है कि रेल की पटरी का कोई काम हो, वहां पर इंजीनियरिंग जाते हो, वो अलग आते हैं,
जेई सिविल हो गया या जेई मैकेनिकल हो गया, वो अलग आते हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही थी, कितने में से 100 में से, 100 में वही 40 नंबर की जीके, साइंस थे के थे 18 क्वेश्चन पिछली पेपर में, जैसा मैंने देखा 30 और 30, तो 100 क्वेश्चन थे भाई आपके 90 मिनट में। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है, ध्यान रखना इस बात का, क्या होता है ऑनलाइन पेपर होता है। कट ऑफ थी कितने पे थी कट ऑफ पिछली, मतलब 75 के आसपास वेरिएशन था इसका। ठीक है, क्या था इसमें, 75 के पास वेरिएशन था, तो 20 गुना बच्चे फिर उसमें बुलाए गए थे और फिर अपना जोन वाइज इन्होंने कट ऑफ डाली थी, क्योंकि रेलवे में अब की बार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जैसे आरपीएफ में इन्होंने जोन नहीं दी। अब की बार भी ना दे, 18 से 30 उम्र है, आर्मी और ग्रेजुएशन पे पोस्ट आएंगी जुलाई में, अगर और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर करें। गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून। आरपीएफ का पेपर आप शुरू कर देंगे, जैसे ही 4 जून को आएगा तो वैकेंसी आप पूरी करना शुरू कर देंगे। गुड आफ्टरनून भाई, मोटिवेशन मंत्रा आ गया, मोटिवेशन मंत्रा भी बना दिया चैनल, मंत्रा के नाम पे खूब झंत्रा हो रहा है। मोत्रो, मोत्रो कहाँ का लोक नृत्य है, मोत्रो तब एनर्जी वाला पश्चिम बंगाल, वो बोलती है ना धोत्रो मोत्रो। प्रिपेयर कैसे, तैयारी कैसे करें, इंस्पायर्ड माइंड पूछ रहे, तैयारी कैसे करनी है, किताब उठाओ घर बैठे, साइंस मंत्रा ऑर्डर करो ऑनलाइन बुक में से घर बैठे, बैच ज्वाइन करो टेलीग्राम में, ओ सॉरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो बिना बैच, और जो किताबें बोली जाती हैं बेस्ट बुक फॉर एनटीपीसी, वो अपनी फिर तैयारी करो उनसे किताबों से, मॉक टेस्ट लगाओ ऐप पे। आरपीएफ का जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो एनटीपीसी वाला मॉक टेस्ट सेम है, लगाओ। मदनलाल का कमेंट देखना, मेडिकल होता है, मेडिकल लिख रखा है इसमें, लेकिन मेडिकल इतना टफ नहीं होता कि आर्मी की तरह, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल की वजह से बाहर निकाल दिया जाए। ये रहा, ये रहा, तो मेडिकल B1 A2 C2 P2 P2 कुछ भी नहीं इसमें, तो मेडिकल इतना टफ होता ही नहीं, नीचे कमेंट लेके आना, तो इसमें मेडिकल इतना टफ नहीं होता कि आपको डरने की कोई जरूरत हो, नीचे ले आओ नीचे। साइंस का बैच 99 रुपये में आ जाएगा, साइंस 1 महीने की वैलिडिटी, उसको बढ़ा दो भाई, इतना सस्ता मत लिया करो। हाँ चल रहा जाए, टिगर्स कैट पूछ रहे भाई, एक बार सर बहुत दिनों बाद देखा आपको, हम तो डेली पढ़ाते हैं आप ही नहीं आते, हमने तो कल ये भी पूछा था आपने बोर्ड किसको दिया, हम तो डेली लाइव आते हैं। बुक्स का पता है क्या होता है, जो मैथ की तुमने एक अच्छी बुक ले रखी है तो हर एक एग्जाम के लिए अलग बुक थोड़ी लोगे, और अच्छी बुक का मतलब ये नहीं होता कि बुक सारी अच्छी होती है, पढ़ने वाले की नीति हो। अब रीजनिंग की कोई भी बुक लो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बात खत्म। अब कोई टीचर बोलेगा कि आरपीएफ की बेस्ट बुक, आईएनटीपीसी की बेस्ट बुक, तुम भाई वो जो मैथ की जो एक बुक ले रखी है कोई भी हो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो, वो सभी एग्जाम के लिए अच्छी होती है, बात खत्म। अब जी की कोई भी बुक, जैसे साइंस की आप बुक लो, हाँ भाई साइंस की मैटर करती है कि आपने सर मुझे लुसेंट से करनी है या मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी है, सर मुझे साइंस से, सर मुझे प्रैक्टिस भी चाहिए, तो साइंस मंत्रालय ले ले भाई, खान सर की बुक ले ले भाई, साइंस की 15,000 प्रीवियस ईयर के पेपर, साइंस के और बहुत सारे टीचर्स हैं उनकी बुक ले ले, जहां से जो समझ में आए वो ले लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बस। खुद के नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। हीरो से तैयारी कैसे करें, हीरो से, हीरो से तैयारी करनी है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी तैयारी हो जाएगी भाई। सबसे पहले अगर जीरो से तैयारी करनी है, अगर बेस नहीं है, तो किसी भी ऐप पर लुक
बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, इनका खुद का बेस अच्छा हो, लगता भी हाँ ये टीम बहुत मेहनती है, वन लाइनर जी के नहीं पढ़ाती, इनके कंटेंट में दम है, वहां से एक बैच ले लो। स्टडी मंत्रा जरूरी नहीं है, किसी भी बैच किसी भी ऐप पे जाके फिर वो जो पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके, नोट्स का बार बार रिवीजन करो, फिर घटना चक्कर जैसी बुक से जीएस को लगाओ ऑब्जेक्टिव, मैथ की प्रीवियस ईयर लगाओ, आर एनटीपीसी आर जो आरआरबी में जितने भी पेपर किसी भी पेपर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है, स्पीडी को पढ़ो बार रगड़ दो, स्पीडी को 2-3 बार, सेंट को रगड़ दो, और जो वो पढ़ा रहे हैं उससे को रगड़ते रहो, साथ साथ हो जाएगा। आया ना सर, आपने बोला था एचएससी की भी फॉर्म भरे जाएंगे और ये भी आएंगे, तो हम कौन सा कोर्स लेना है? बेटा हमारे यहाँ कोई दो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, वैलिडिटी खत्म हो जाती वो अगले की भड़क है, ठीक है, अगर आपने एनटीपीसी का ले लिया तो हमारे यहाँ उसमें हरियाणा जी के भी चलती है, हम उस बच्चे को ये नहीं कि उसको हरियाणा का बैच खरीदने के लिए मजबूर करेंगे, अगर किसी एक भी बच्चे को मजबूर किया हो वो कमेंट करके गाली दे सकता है कि सर आपने वो बैच दिया था और उसमें आपने ये नहीं पढ़ाया, हमें पता है कि एनटीपीसी में ये चीजें आ रही हैं, तो उसको हरियाणा जी की भी पढ़ा दो, बेचारा वो हरियाणा का भी एग्जाम देगा, बता दो भाई, कोई भी पुराना बच्चा अगर क्लास देख रहा हो, और हमने किसी बैच में दिल्ली पुलिस में भी हमने हरियाणा जीके की क्लास दी है, दिल्ली पुलिस में तो हरियाणा जीके आने से रही, बट कोई दिल्ली पुलिस का बच्चा अगर हरियाणा जीके की वजह से कोई बैच खरीदे तो वो तो गद्दारी हुई ना बच्चे के साथ, बता दो एक भी बच्चे से कि सर आपने बैच में ये कर दिया, अब कोई टेक्निकल बैच है वो अलग बात है कि सर जेई सिविल है उसमें तो जेई का 70% आता है, तो बैच ही अलग हो गया, मोटिवेशन मंत्रा सर फ्री में बैच चाहिए, पूरा खोलू चाल है, 1,000-2,000 रुपये फीस है, इसकी बुक ऑर्डर की थी, रोबिन का कमेंट देखो, ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपकी छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी, और हाँ फरी में कुछ नहीं आता, ये फरी के बहाने होते हैं बच्चों को जोड़ने के लिए, फिर बाद में आपको बेचना भी है, चाहे आपको कोई पीडीएफ बेचे, कोई बैच बेचे, कोई अपना जमीर बेचे, किसी को बेचना ही होता है, बट हम सीधी मुंह पे बात बोलने वाले लोग हैं कि भाई पढ़ो, मेहनत करो, पढ़नी है बुक्स पढ़ो, बैच से पढ़ना बैच से पढ़ो, ठीक है सर, आप हरियाणा में कहाँ से हो? मैं हरियाणा में हरियाणा से हूँ भाई, जींद से, जींद डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा भोले लोगों की धरती है, भोले तो नहीं रहे आजकल, हाँ सच कड़वा होता है इसलिए लोग मानने को तैयार नहीं है, मीठी मीठी बातें चुपड़ी बातें, फली का दे दो फली, फली मिल रहा है फली, फ्री अनाज दे दो, फ्री बैच दे दो, और वो भीड़ जाएगी पूरी पूरी, हाँ सर थाने में इन्वेस्टिगेशन फ्री में ना होती है, वहां तो बेटा वहां तो फिर तनख्वाह मिलती है ना, वहां तो करनी पड़ती है, सारा ही हरियाणा है, सारा ही भारत है, सारे यूपी बिहार के बच्चे भी इस चैनल पर सारे हैं, ठीक है ना, आपको रोजगार लेके भारत के लिए करना है, ठीक है, चलो और कुछ पूछना हो इसके बारे में, हरियाणा पुलिस की वीडियो शूट की थी सुबह, 2 घंटे बाद डल जाएगी, ठीक है वो वीडियो जरूर देखना, वे शूट की थी तो किसी वजह से हमने डाली नहीं, अब इस वीडियो के 2 घंटे बाद वो वीडियो डल जाएगी, नहीं चल जाता बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ईमानदार हर तरह के लोग होते हैं, अपनी सोच को सुधारो, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि काम नहीं चलता, सबका काम चल जाता, तो कुछ लोग होते हैं किसी सिस्टम को बदनाम कर देते हैं, अब सारी लड़कियां थोड़ी ऐसी हैं कि जो घर से भाग जाती है, कोर्ट मैरिज कराती है, उसकी वजह से लड़कियों को गलत दृष्टि से देखा जाता है, पढ़ने गई है तो पड़ोसन बोलेगी तो मन में कुछ चल चोरी वोरी चल रही होगी, हाँ इसकी बेटी ऐसी है ऐसी है, वो सिर्फ 5-10% ही होती है ऐसे, 95% गर्ल्स बॉयज के कंपेयर में बहुत लॉयल्टी के साथ रहती है अपने हस्बैंड के साथ, अपना जो भी उसका रमेश पप्पू जो भी उसका हो, बट लड़का नहीं रहता, समाज ना लड़के को गलत दृष्टि से देखता, लड़की को हमेशा गलत दृष्टि से देखा जाता है, कि पुरुष प्रधान समाज है ना बेटा, हर तरह के लोग होते हैं समाज में, ठीक है ना, तो
95% गर्ल्स नहीं दिखती जो मेहनत करती है, लाइब्रेरी में जाती है, सिलेक्शन लेती है, या नहीं भी लेती तो परिवार चलाती है, समाज चलाती है, ना कभी करेक्टर से बहुत पवित्र है, बट उन 5% की वजह से सोशल मीडिया पे 5 रुपए का माइक लगा के वीडियो वायरल कर देना, घर लड़की भाग गई। साले ये क्यों नहीं लिखा कि लड़का भाग गया, कि कोई हराम खोर का खोर किसी लड़की को भगा ले गया, ये क्यों नहीं हेडिंग चलाते? खबर चलाएंगे लड़की घर से भाग गई। बस ये नहीं लिखे किसी खड़े कुत्ते आदमी ने किसी की इज्जत उछाली, से लड़की उड़ के गई थी हवा में ऐसे। चलो ऑल द बेस्ट। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि कोई भी समाज में गंदगी रोकनी तो सामाजिक लोगों को आगे आ जाना पड़ेगा, सब कुछ कानून पे नहीं थोपना चाहिए। प्राउड फील करवाते हैं आजकल तो, ब्लॉगर बनाते हैं, ब्लॉगर ये बहू आई भाग के आज घर बस ब्लॉग बनाते हैं। तो कह रहा था उस गांव में हुक्का पानी बंद करना था कि कोई भी लड़का किसी भी गांव की लड़की को बिना सहमति के भगा के लेके आएगा, गांव में हुक्का पानी बंद, उस लड़के का साला बाहर फेंक दो उस गांव से। लड़की भी कम नहीं है, फिर वो 5% में आ तो गई, अब उसमें सारियों को कर दोगे? लड़का नहीं दिखता तुम्हें? तू भी आ जा, तू भी आ जा, ए तू भी आ जा, बी तू भी आ जा, मेरी भी गलती, तू भी आ, वो उसको चाहे 100 गर्लफ्रेंड दे दो, 101 भी को बोला हाँ फ्री हूँ, हालांकि उसको कोई मतलब नहीं एनटीपीसी को वैकेंसी आई है, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ रही है, सीजील की आ रही है, सीपीओ, तब उसको 30 के बाद पता चलेगा ओहो नौकरी भी थी। बेटा लड़कियां इमोशनल ज्यादा होती हैं, जो हमारी स्टडी में आया 5-6 साल की में, इमोशनल होती हैं, दे हैव लैक ऑफ माइंड, उनके पास दिमाग की कमी होती है 5%, वो इमोशनल होती है कि मेरा पापू, मेरा बोला, मेरा चोना, इसलिए वो उनको नहीं पता कि एनटीपीसी की वैकेंसी आई है ना, इसलिए तो बोलते हैं कि 1200 1600 ग्राम दिमाग होता है लड़कों में और 1360 होता है लड़कियों। मेच्योरिटी नहीं होती, 28 साल की लड़की को भगा के दिखा दो भागेगी नहीं, 18 से 20 25 साल की होगी ऐसे उड़ के जाएगी जैसे चंद्रयान गया है। मैच्योरिटी का फर्क होता है, ऊपर का फर्क होता है, पड़ाव का फर्क होता है, एनटीपीसी का फर्क होता है, CBT 1 का फर्क होता है, CBT 2 का फर्क होता है, कोई डाउट रहा हो तो पूछ लो। जेई सिविल की कोई वैकेंसी आएंगे HSC में? भाई देखो अभी तो नहीं पता है, पहले पहले वाला ही रिजल्ट आने दो, ठीक है पहले वाला ही रिजल्ट आने, जब तो जेई का देखते हैं अब क्या पढ़ते खोलते हैं। चलो ऑल द बेस्ट, रवि सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ठीक है कर दो बात। चलो ऑल द बेस्ट, हाँ CET PRE का कम स्कोर। जय हिंद जय भारत।